तुषार सोलंकी. हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन तुषार जी, हाउ आर यू? प्लीज टेल मी हाउ टू स्ट्रॉन्ग द डाइजेस्टिव सिस्टम. एज इज 20. क्या मुझे प्रोबायोटिक की ज़रूरत है? तुषार जी देखिए, आपको आप खाना आप कह रहे हो कि खाना खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो इसके दो तीन रीजंस हैं. सबसे पहले तो आपके डाइट को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए. आप ऐसा डाइट ले रहे हो जो बहुत ही हाई कार्बोहाइड्रेट्स में अगर होगा तो उससे भी आपको गैस बनेगी. अगर ऐसा डाइट जो बहुत हाई प्रोटीन में भी होगा तो उससे भी आपको गैस बन जाएगी. जनरली लोगों को जब वो रात के समय में या डिनर में अगर बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा या फिर चने की सब्जियाँ खाते हैं, चना जो बहुत हाई इन प्रोटीन होता है, इस तरह का कोई भी हाई प्रोटीन फूड अगर रात को खाते हैं तो उनको गैस बनती है, क्योंकि वो नेचुरल है, क्यों नेचुरल डाइजेस्टिव प्रोसेस में ऐसा होता है. तो अगर आपका डाइट में बहुत आप एक्सेसिव प्रोटीन ले रहे हो या फिर बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हो तो उसकी वजह से आपको गैस बन सकती है. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, खाना खाने के बाद अगर आप इमीडिएटली लेट जाते हो या ज़रा भी यू नो सीधा नहीं बैठते. अक्सर हम लोग, जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि खाना खाने के बाद आपको वज्रासन करना चाहिए, जैसे कि हम लोग पैर नील डाउन करके बैठते हैं, तो उस तरह से करना चाहिए और सीधा बैठना चाहिए ताकि डाइजेशन सही हो और गैस ना बने. तो अगर आप योगा तो अगर आपको नहीं करना है, डोंट वरी, लेकिन एटलीस्ट खाना खाने के बाद थोड़ा सा सीधा बैठिए. मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग अपराइट और ज़्यादा लेटिए मत. इफ़ पॉसिबल घर में थोड़ा सा खाना खाने के बाद टहलिए तो इससे आपको गैस नहीं बनेगी. और इनकेस अगर खाना खाने के बाद इमीडिएटली आपको गैस बनती है तो आप डाइजीन या फिर जेलुसिल की जो टैबलेट्स होती है, च्यूएबल टैबलेट्स, अदरवाइज सिरप कोई भी आप ले सकते हो. टैबलेट्स लेते हो तो 2 से 3 टैबलेट्स आप खाना खाने के बाद चबा के खाइए तो आपको गैस से आराम हो जाएगा. अदरवाइज यू कैन टेक सिरप, 2.5 टीस्पून्स आप ले सकते हो, इससे आपके गैस का प्रॉब्लम सही हो जाएगा. अगर आपको गैस का प्रॉब्लम होता है दैट डज नॉट मीन के आपका डाइजेशन वीक है, तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स, व्हाई डोंट यू टेक कर्ड, दही, योगर्ट आप ले सकते हो, छाछ, बटर मिल्क, ये सब आप ले सकते हो. दिस इज नेचुरल प्रोबायोटिक सप्लीमेंट और इससे आपके डाइजेशन में भी हेल्प होगा. ओके.